हेलो एंड वेलकम टू गेट एडमिशन। मैं सेल्फ हिमांशु और आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं हमारी एक नई वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अमृता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के बारे में, यानी अमृता मेडिकल कॉलेज जो कोची में लोकेटेड है केरला के अंदर। तो अभी केरला का ये कॉलेज आया है हमारा डीम्ड कॉलेज, तो इस कॉलेज के बारे में हम सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन, यहाँ की जो फीस स्ट्रक्चर है, यहाँ का कट ऑफ है, ये सारी आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरी देखना, बिल्कुल भी मिस मत करना। एंड आप इस चैनल को सब्सक्राइब अगर आपका मन करें तो ज़रूर करके जाना। तो सबसे पहले बात करते हैं इस कॉलेज की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो ये कॉलेज 2002 में स्टैब्लिश हुआ था, तो काफ़ी साल अब, मतलब अप्रोक्सीमेटली क्या 20 साल अब इस कॉलेज को हो गए हैं मेडिकल फील्ड में अपनी पकड़ बनाए, और इसका हॉस्पिटल उसी हिसाब से काफ़ी अच्छे से काम करता है। तो कोची केरला के अंदर ये कॉलेज लोकेटेड है, काफ़ी अच्छी जगह पे, वाइब्स प्यारी एंड एक ग्रीनरी एनवायरनमेंट के साथ ये कॉलेज लोकेटेड है। आप अच्छे से वहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ट्रैवल की आपको परेशानी नहीं आने वाली। थोड़ा सा दूर है बट अच्छे खासे रोड दिए गए हैं, तो आप इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। एंड ये एक डीम्ड मेडिकल कॉलेज है। अगर मैं इसके ऐसा एफिलिएशन के बारे में बात करूं, अमृता विश्वविद्यापीठम डीम्ड यूनिवर्सिटी है जो उससे कॉलेज एफिलिएटेड है एनएमसी के द्वारा प्रॉपर्ली, तो ये इस कॉलेज की एफिलिएशन है। एंड ऑल इंडिया रैंक अगर मैं मेडिकल कॉलेज में बताऊं इस कॉलेज की, तो है वो 6 नंबर पे, यानी 6 नंबर पे कॉलेज आता है ऑल इंडिया में। तो ये भी एक बहुत ही बेहतरीन बात है, तो आप इसको चूज करने में बिल्कुल भी फिक्र नहीं कर सकते। एंड इसको हॉस्पिटल की मैं बात करूँ तो देखो, हॉस्पिटल का इसका पेशेंट फ्लो जेन्युइन वाला पेशेंट फ्लो है इसका। आप अगर इस कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आपको अच्छे से सारी चीज़ें सीखने को जरूर मिलेगी। यहाँ पे आपको सारी फैसिलिटीज देखने को मिलती है, आईसीयू, डायग्नोस्टिक सर्विसेज, हेल्थ केयर सर्विसेज, ओपीडी, इंडोर सर्विसेज, ब्लड बैंक आपको यहाँ पे, और भी मतलब ऐसा जो इमरजेंसी का डिपार्टमेंट है वो भी काफ़ी अमेजिंग है। तो हॉस्पिटल से रिलेटेड आपको कोई भी फिक्र करने की जरूरत नहीं, स्टाफ भी काफ़ी अच्छा है। हम आगे बढ़ते हैं फटाफट से, अब इस कॉलेज के हम ऐसा फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, क्योंकि जब फीस ही हमारे अंडर होगी तभी तो हम आगे सोचेंगे। तो इस कॉलेज की जो लास्ट ईयर की फीस थी, मतलब लास्ट ईयर जो इसकी फर्स्ट ईयर की फीस थी, वो थी 18 लाख पर ईयर। एंड इस साल वो बढ़ के हो गई है 19 लाख पर ईयर, यानी इस कॉलेज में आपको 1 लाख रुपीज़ का इंक्रीमेंट देखने को मिला पिछले साल से इस साल में, यानी 2022 में इसकी जो फीस है वो है 19 लाख पर ईयर। तो अब आपके बजट के ऊपर है, आप बजट के अकॉर्डिंग इस कॉलेज को अप्रोच कर सकते हैं अच्छे से। एंड टोटल सीट इस कॉलेज में भी आपको 150 देखने को मिलेंगी। एंड अगर मैं कट ऑफ के बारे में बात करूं तो लास्ट ईयर की जो इसकी कट ऑफ थी फर्स्ट राउंड की वो थी 431, एंड इस साल जो इसकी कट ऑफ होने वाली है वो है 413 फर्स्ट राउंड की। तो ये आप एज्यूम कर सकते हैं इसकी थोड़ी सी कम हुई है, बट इससे कम होना थोड़ा सा मुश्किल है, मोकअप में भी इसकी काइंड ऑफ ऊपर ही जाती है। तो आप इस चीज़ को ऐसा इमेजिन करके एंड अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए सोच सकते हैं। लेकिन अगर आप गेट एडमिशन को अप्रोच करते हैं तो गेट एडमिशन आपकी हेल्प करता है आपके मनपसंद कॉलेज में आपका एडमिशन कराने में, तो आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप लिंक दिया गया, आप डायरेक्ट व्हाट्सएप करके भी अपने सवाल जवाब कर ले, बातचीत कर ले हमसे, ताकि आपका एडमिशन अच्छे से करा दे। बाकी रही कैंपस की बात, तो देखो इसका कैंपस तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, वो हिल स्टेशन वाली वाइब देता है, काफी अच्छी अच्छी बिल्डिंग है, ऊपर से वो थोड़ा रेड शेप तो एक, एंड ऑब्वियसली यार केरला के अंदर है तो ग्रीन ग्रीन तो इसका एनवायरनमेंट है ही आसपास का सारा, तो एक मतलब एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट आप कह सकते हैं, गुड फील आपको वो देखने को वहाँ पे मिलेगी। एंड अगर आप वहाँ पे अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आपको वो वाइब मिलेगी, एंड आप अच्छे से घूमना चाहते हैं तो भी आपको वाइब मिलने वाली है। इसकी जो फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ मिलेगी, जैसे आपको स्पोर्ट्स, कैंटीन, लाइब्रेरी, कैफेटेरिया, ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, अच्छे से वाइब्स मिलने वाली हैं। हॉस्टल की फैसिलिटीज़ काफ़ी मतलब हद तक बढ़िया लगी, जो रूम्स वगैरह वो अच्छे हैं। एंड इसके बाद अगर मैं आउटिंग टाइम की बात करूँ तो देखो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कॉलेज है, आप थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस के साथ इसको चलना पड़ेगा, डीम्ड कॉलेज है यार तो थोड़ी बहुत तो चलती है, एंड मेडिकल आपका कोर्स है तो वो तो और भी ज़्यादा, तो अच्छी भी चीज़ है वो, ठीक है, बुरी नहीं है। एंड अगर मैं बात करूँ इसकी, मतलब ऐसा आप जा सकते हैं बाहर नहीं जा सकते, तो आपके पर्टिकुलर टाइम स्लॉट्स दिए जाएंगे आपको, आप उसी टाइम पे बाहर जा सकते हैं। एंड शाम को भी लाइक आपको बहुत ही ज़्यादा टाइम पे अपने हॉस्टल्स में आना पड़ेगा। लॉन्ड्री की फैसिलिटीज भी अवेलेबल है, आप करा सकते हैं लॉन्ड्री, आपका मन करे आप खुद भी धो सकते हैं, तो वो सब तो आपके लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है। ये था इस कॉलेज का छोटा सा रिव्यू, अगर आपको एक वीडियो अच्छी लगी तो यार आप प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर लें। कोई भी डाउट है आपका तो यार आप गेट एडमिशन को कॉल कर लें, गेट एडमिशन है आप सबके लिए।